आज की मेरी वीडियो चिकन मैन्योर पर है। ये फ्रेश चिकन वेस्ट है। चिकन वेस्ट एक वेस्ट नहीं है, एक्चुअली में यह एक गार्डन गोल्ड है। यह एक नॉन केमिकल फर्टिलाइजर है, इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इस मैजिक को करने के लिए यह जरूरी है कि चिकन वेस्ट को अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट किया जाए। अगर ये अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट न हो तो प्लांट्स की रूट्स को डैमेज कर सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्ड ब्लैक गोल्ड। ये मेरी तकरीबन 6 से 8 मंथ की बनी हुई चिकन मैन्योर है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक कलर की हो चुकी है, ये बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो चुकी है। जहां पर सॉयल में पीएच लेवल कम होता है, एसिडिक सॉयल नहीं होती, बाकी सभी एनिमल्स मैन्योर की बजाय मुर्गी की खाद सॉयल को एसिडिक बनाती है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए अति जरूरी है। फ्रेश चिकन वेस्ट में 8.5 नाइट्रोजन, 0.8% पोटाशियम और 0.4% फास्फोरस। बट डीकम्पोज होने के बाद चिकन मैन्योर में एनपीके की रेशियो 4:1 हो जाती है। इसे कम से कम आप 6 मंथ तक रखें, जहाँ तक ये पूरी तरह ब्लैक ना हो जाए, तब तक आप इसे गार्डन में यूज़ ना करें। ब्लैक होने के बाद इसे गार्डन में यूज़ करें। गुड चिकन मैन्योर में सॉयल की ऑर्गेनिक क्षमता बढ़ती है और सॉयल में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। हॉर्स, काऊ और दूसरे मैन्योर की बजाय चिकन मैन्योर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनपीके पाया जाता है। और मैं आपको एक पोटिंग मिक्स जो हम प्लांट्स के लिए गमलों में तैयार करने के लिए बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप गार्डन सॉयल लें 60%, जमुना रेत, ये जमुना रेत है, और कई जगह पर इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में बोला जाता है। हमारे यहाँ इसको बरेती, ये जमुना रेत है, बजरी भी बोलते हैं, ये 20%, और ये चिकन मैन्योर है, ये चिकन मैन्योर 20%, यानी गार्डन सॉयल आप 60% पे और जमुना रेत 20% और चिकन मैन्योर 20% पे। फ्रेंड्स, ये चिक्स बेडिंग, ये चिक्स बेडिंग के लिए है, चूजों के नीचे बिछाने के लिए होता है ये। इस चिक्स बेड को नीचे बिछाया जाता है। इस चिकन वेस्ट को किसी पॉट, कंटेनर या वेस्ट बाल्टी में डालकर आप तकरीबन 4-5 दिन की कड़कती धूप में रखें, ताकि इसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया वे खत्म हो जाए। अब मैं आपको इसको डालकर बताती हूँ। इस पॉट में मैंने चिक्स बेड डाल के, नीचे चिक्स बेड डाल दिया और ऊपर चिकन वेस्ट डाल के गमला तैयार कर दिया। आप अगर आपको चिक्स बेड बेडिंग नहीं मिलती तो आप घास फूस भी ले सकते हैं उसकी जगह पे, और उसको आप डाल दें। चिकन मैन्यू वेस्ट डाल के आप 4-5 दिन की कड़कती धूप में रखें, ताकि इसके हार्मफुल बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। और उसके बाद इसको ढककर आप किसी भी छाया वाली जगह पे रख दें और 6 मंथ के लिए आप इसको भूल जाएं, ताकि ये ब्लैक हो जाए। एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें जो ये छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, ये खाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चिकन मैन्योर में ये आम बात है, और ये हमारे फसल के लिए, हमारी खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दोस्त कीड़े ही हैं ये, तो इसकी आप परवाह ना करें। आप मिट्टी में, सॉइल में जब डालेंगे तो ये अपने आप उसमें मिट्टी में डिजोल्व हो जाएंगे। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ये एरिया मैन्योर का आ गया, ये काओ मैन्योर, जो मैंने काओ डंग का वीडियो डाला हुआ है।
ऑर्गेनिक गार्डन सॉइल, मैन्योर, ऑर्गेनिक